लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय। हाय। ये देखो कितना प्यारा होटल है। ये सब छोड़ो। थैंक्स अ लॉट। फॉर व्हाट? वैसे वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आज तुमने ऑफिस में काम किया ना, ये थैंक्स उसके लिए है। कम ऑन दाहा, ऑफिस क्या मेरा नहीं है? मैं भी तो ऑफिस का हिस्सा हूँ। मैंने तो जो कुछ भी किया है हमारे बिजनेस के लिए किया है। ओके जुबी, यही तो खास बात है तुम्हारी कि तुम सारे काम करती हो और वो भी बगैर शो ऑफ किए हुए, क्योंकि दूसरे लोग काम करते हैं लेकिन शो ऑफ भी बहुत करता है। ताहा, तुमने मुझे बीवी का दर्जा दिया, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे घर दिया, इससे बड़ी बात कोई नहीं है ताहा। स्वीटहार्ट, एक बात के लिए और थैंक्स। ओह गॉड, अब क्यों? अरे भाई, बड़ी अम्मी और भाभी जान ने तुम्हारी इतनी तारीफें की हैं कि मैं बता नहीं सकता। क्या? कह रही थी कि मैं बहुत अच्छी बीवी लाया। स्वीटहार्ट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो दोनों कोई चाल तो नहीं चल रही हैं? लगता है मुझे होशियार रहना होगा। अबरार साहब, इन फाइलों में चौधरी खानदान की डिटेल ही नहीं, हर उस आदमी की डिटेल है जिसने चौधरी के बिजनेस को फाइनेंस किया है। गुड। अरे वाह जैदी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं हर उस कंपनी और उस आदमी का पता लगा चुका हूं जिसके बिजनेस टर्म चौधरी खानदान से। मतलब यह हुआ कि मैं तो सिर्फ चौधरी की कमर तोड़ने में लगा हुआ हूं, आप उसे पूरी तरह मार देना चाहते हैं। कमर टूट जाने से दुश्मन अपनी चाल चलना बंद नहीं कर देता, उसका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। इसलिए दुश्मन को कमजोर बनाने के बजाय खत्म कर देना ही बेहतर है, वरना हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है। ताकतवर दुश्मन से ज्यादा खतरनाक जख्मी दुश्मन होता है। ठीक काम। चौधरी खानदान को सिर्फ कमजोर नहीं करना है बल्कि उसे खत्म कर देना है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अबू, जो बात खत्म हो गई उसके लिए आप नहीं। रूही, बात तुम्हारे लिए खत्म हुई है, बात उन लोगों के लिए खत्म हुई है, मेरे लिए तो बात बढ़ चुकी है। एक बेटी का रिश्ता टूट जाने का गम क्या होता है, एक बाप ही वो जानता है। जब तुम्हारी शादी की बात तय हुई थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सब लोगों से कहा मेरी बेटी चौधरी खानदान में बहू बनकर जा रही है, और आज वो लोग जब मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और तब मुझे चौधरी खानदान का फरेब याद आता है। तो कैसे भूल जाऊं, कैसे माफ कर दूं उन लोगों को? नहीं रोई, पर इससे फायदा क्या होगा अबू? रोई, मैं एक बिजनेसमैन हूं, फायदा और नुकसान मेरी तकदीर है। अगर मैं बिजनेस करने से पहले ही फायदा या नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर दूं तो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे फैसलों में दखल मत दो, अंदर जाओ। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? मुझे चौधरी के एक एक बिजनेस को
अपने कंट्रोल में करना है और उसको पाई पाई के लिए मोहताज करना है। और अगर हो सके तो उसके पूरे खानदान के सामने उसके घर को नीलाम करना है। सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, क्या बात? ताहा, अबू को पता नहीं क्या हो गया है, वो तुम लोगों के खिलाफ बहुत खतरनाक मंसूबे बना रहे हैं। अच्छा? हाँ ताहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग होशियार रहें। लेकिन वो करना क्या चाहते हैं? ताहा, वो आप लोगों के बिजनेस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ताहा, तुम अबू को जानते नहीं हो, वो बहुत गुस्से वाले और बहुत जिद्दी इंसान हैं। जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं। फिक्र मत करो रूही, हमें कुछ नहीं होगा, हम बेवकूफ लोग नहीं हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ताहा, उन्होंने तुम्हारे बिजनेस की सारी डिटेल्स मंगा ली हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मेरी बातों पर ध्यान दो, खुदा के लिए उन्हें नजरअंदाज मत करो। मैं अपने अबू को जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अल्लाह ना करे कोई गलत बात हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तेज बुखार है। मुमताज का फोन क्यों ऑफ है? शायद हॉस्पिटल में होगी। हेलो, डॉक्टर मुमताज है? वो घर गई है। उनके घर का नंबर क्या है? मुझे डॉक्टर मुमताज के घर का नंबर चाहिए, प्लीज, अर्जेंट है। घर का नंबर हमारे पास नहीं है। शायद ताह के पास होगा। रात को ऐसा क्या तूफान आ गया कि इतनी जोर से मेरा दरवाजा खटखटा रही है तुम? ताहा को जगाओ ना। तुमने कहा और मैंने जगा दिया, क्यों जगाऊं भाई? मुझे डॉक्टर मुमताज के घर का नंबर चाहिए। इतनी सी बात सुबह नहीं हो सकती थी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने शौहर की नींद नहीं खराब कर सकती। मुझे अभी इसी वक्त नंबर चाहिए। कहा ना, नंबर सुबह ले लेना, काम अभी है और जरूरी भी। तुम पागल हो गई हो क्या? चीख क्यों रही हो? तो भाई जवाब देना, मैं जरूरी नहीं समझती। दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से। बात मेरे बच्चे की है और उसे बहुत तेज बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ, कोई बीमारी तो नहीं है ना? देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो, हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो मैंने कह दिया ना, तुम्हें सुबह तक इंतजार करना ही होगा, और इंतजार करने का तो क्या हो जाएगा, बीमारी तो है, मर तो नहीं जाएगा।
के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि इस दुनिया में मुझे उससे प्यारा कोई नहीं है। एक बात याद रखो, तमाचा मारना मुझे भी आता है, लेकिन ये तमाचा कितना महंगा पड़ेगा तुम्हें ये शायद तुम जानती नहीं हो। बुखार है, तुम डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुमताज से बात नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल घर दोनों जगह पर फोन लगा कर देखो। हॉस्पिटल में वो नहीं है और घर का लैंडलाइन नंबर नहीं है। मैं सोचती हूँ बिलाल को हम सीधा लेकर जाए उनके घर। बिलाल की तबीयत खराब है, चलो इसे ले चलते। आजा आजा बच्चा आजा, ये दवा पिला दो, बुखार उतर जाएगा। अम्मी ये दवाई इन्हें वापस कर दीजिए, ये दवाई मैं बिलाल को नहीं पिलाऊंगी। मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, हो सकता है ये जहर हो क्योंकि पहले भी इन्होंने एक बार बिलाल को मारने की कोशिश की थी। हम दर्दी के बहाने मुझे धोखा देना चाहते थे। मेरा यकीन करो ये दवा है। ऐसे वक्त पर ये इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो इनसे कहे पहले ये दवा हमें खुद पीकर दिखाए। ठीक है। Thank you.
ज़ुबैदा, क्या बात? इतनी रात को तुम यूं क्यों टहल रही हो? ताहा, तुम्हारे पास डॉक्टर मुमताज का नंबर है क्या? डॉक्टर मुमताज का? हाँ है, है. क्यों? कैसे बताऊँ मैं? क्या बात है? बिलाल, बिलाल को बहुत तेज बुखार है. क्या? हाँ. तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे ताहा, मैंने सोचा मैं बड़े अम्मी, भाभी जान रुक जाइए, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर से फोन करता हूँ. सुबेदा, बिलाल की तबीयत खराब थी, तुमने उन्हें जगाया क्यों नहीं? वो मैंने सोचा कि जुबिन ने कहा था वो तुम्हें जगा देगी, लेकिन मैंने ही मना किया. तुम्हारी नींद खराब करना मैंने ठीक नहीं समझा. कैसी बातें कर रही है भाभी जान? बच्चे की तबीयत से बढ़कर मेरी नींद है क्या? माना कि आप लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसे वक्त पे आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएं. इसमें नाराज होने की क्या बात है? बेटा नहीं तो क्या, माँ तो साथ में थी. बड़ी अम्मी, आप मेरी जगह नहीं ले सकती क्योंकि आप एक औरत हैं. चलो गलती हो गई, माफ कर दो. ये गलती नहीं है, बेवकूफी है बड़ी अम्मी. तो माँ को बेटी ने बेवकूफ बना दिया. बड़ी अम्मी, हम यहाँ बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं. मैं डॉक्टर मुमताज को फोन करता हूँ, अगर वो यहाँ आती ठीक है, नहीं आती तो मैं आपको ले चलता हूँ. ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है. मैंने हिसाब बराबर कर दिया. अभी तो इतने हिसाब हैं तुम्हारे कि अच्छे अच्छे भी बराबर नहीं कर पाएंगे. हेलो. हेलो डॉक्टर मुमताज जी. मैं तहा बोल रहा हूँ. इतनी रात है, सब खैरियत तो है ना? बिलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आप फौरन आ जाइए. क्या हुआ उसे? उसे बहुत तेज बुखार है. अभी आए. बात से तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं ताहा. कौन सी बात? अरे इतना शोरगुल हुआ, घर के सारे लोग जाग गए, मगर तुम्हारे बड़े अब्बू, अरे वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे. मतलब सबसे पहले तो उन्हें उठना चाहिए था ना, लेकिन वो तो यूं मानो घोड़े बेचकर सो रहे थे. अपने आप को इतना जिम्मेदार मानते और फिर वो सिर्फ उनका दिखावा है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए. वो अजीब किस्म के इंसान है, और वैसे भी हम उन्हें अपने घर के मामलों में शामिल नहीं करते. अरे जब उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो दूसरों के मामले में इतनी दखलअंदाजी क्यों करते हैं? क्योंकि आदत से मजबूर हैं. अगर किसी मामले में वो शामिल हो गए तो मामला सुलझाने की बजाय बिगाड़ देते हैं. लेकिन ताहा, बिजनेस में ऐसे कोई कैसे कर सकता है? ज़ुबैदा, आजकल मैं उन्हें काम करने का मौका देता ही नहीं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने ले ली, और अब तुम्हारे आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें आराम करने के लिए क्या ही दूँ.